केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में भाजपा विशेष कार्यक्रम चला रही है। भाजपा के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चला रही है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 8 साल से वो राज कर रहे हैं, देश ने क्या खोया क्या पाया इसका जवाब जनता देंगी। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल और गैस का दाम आसमान छू रहा है, वो कहते हैं कि विकास कर रहे हैं और जनता को लगता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हम विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज को लाएंगे सामने। अगर यही रवैया रहा तो देश जलने लगेगा, समय आएगा तो जनता इन्हें खुद नकार देगी। 8 साल से वो राज कर रहे हैं, देश ने क्या खोया क्या पाया उसका हिसाब जनता समय आने पर देगी जाके। और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम मैंने आसमान छू रहा जाके। अब वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जनता को लगता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम लोग तो विपक्ष हैं और हम लोग विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज़ को सामने लाएंगे जाके। तो जनता बहुत तराई में, अगर इसी तरह का रवैया रहा तो देश जलने लगेगा जाके। तो हमारा ये मानना है कि बार बार झूठा वादा कर करके लोगों को गुमराह करके गद्दी नहीं संभाला जा सकता है। एक दिन आएगा जनता भी उन्हें नकारेगी जाके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।